अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये किया था कि कौन से कंपाउंड लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन से होते हैं, ठीक है ना। हमने जो अपना प्रीवियस लेक्चर किया था वहाँ पे हमने कहा था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन कौन से होते हैं, और लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए हमने किया था कि नंबर एक पे हमें पता हो कि हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक होगी बात। या हमें मैस या क्या होगा रिएक्टेंट का मैस डायरेक्ट भी हमें दिया जा सकता है और उससे हम मोल को फाइंड करेंगे रिएक्टेंट के, या क्या होगा कि हमें मोल दिए गए होंगे। नंबर एक हमें क्या चाहिए होगा, मैस या मोल चाहिए होंगे रिएक्टेंट के। उसके बाद हमने क्या काम करना है कि ये हमारे पास जो मोल्स आ गए हैं रिएक्टेंट के, हम इसको कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट के मोल के साथ। क्या काम करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट के मोल के साथ। लेकिन ये कहां पे काम होगा, ये काम होगा डी बैलेंस्ड इक्वेशन। कहां पे इसको करेंगे, इसको हम करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम दोनों को कंपेयर करेंगे, उस पर आ जाएगा कि हमने ये फाइंड करना है कि वो रिएक्टेंट जो लीस्ट प्रोडक्ट बना रहा होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जब हम इसको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे ना, उसके मोल के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास वो रिएक्टेंट जो लीस्ट प्रोडक्ट बना रहा होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और आप उसके मुताबिक फिर क्या काम करोगे, बाकी तमाम कैलकुलेशंस करोगे। अब जो हमने चौथा पॉइंट करना है फाइंड द एक्सेस, हमने फाइंड करना है एक तो होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक उसके साथ क्या होगा फिर दूसरा एक्सेस में होगा, तो हम एक्सेस भी फाइंड कर सकते हैं। एक्सेस फाइंड करने क्या काम करेंगे, रिएक्टेंट को आपस में कंपेयर करेंगे जी। तो अब आते हैं न्यूमेरिकल की जानब। हमें यहाँ पे दिया गया है कि ये हमारे पास रिएक्टेंट है, अमोनियम क्लोराइड रिएक्शन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड में, साथ बना देगा अमोनिया और उसके साथ बना देगा वाटर। क्या बना देगा, वाटर बना देगा। अब आपने ये देखना है कि अगर 100 ग्राम लेते हैं अमोनियम क्लोराइड और 100 ग्राम लेते हैं जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आगे को क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। तो इसमें आपने अमोनिया का मैस फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो कैसे करना है कि हमें अमोनिया का मैस दिया गया, अमोनियम क्लोराइड का मैस दिया गया 100 ग्राम, इसका मोलर मैस होता है 53.5। कैसे होता है, N का होगा 14, H का 4 हो जाएगा और Cl का हो जाएगा 35.5। 53.5 इसका मैस पर मोल आ जाएगा, इसका मोलर मैस। अब हम इसके बाद इसके नंबर मोल फाइंड करेंगे, मैस और मोलर मैस, मैस 100 है, मोलर मैस 35.5 होगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 1.85 मोल। तो इसी तरह हम फाइंड कर लेंगे दूसरे के नंबर मोल, वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। पहला स्टेप हमने मोल दोनों के फाइंड कर लिया, सेकंड स्टेप कौन था, कंपेयर विद प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट हमारे पास हमने किसका करना है, उसी को ले लेंगे हम, पहले इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे फिर इसको इसके साथ कर लेंगे। तो पहले हम करते हैं अमोनियम क्लोराइड को, तो अमोनियम क्लोराइड का बैलेंस्ड इक्वेशन में 2 मोल है, अमोनिया भी आगे 2 मोल है, 2 मोल, उसके बाद कितने बनेंगे, 2 मोल बनेंगे। अगर इसका 1 मोल तो उसका कितना होगा, 1 मोल होगा। अब 100 ग्राम में इसका है कितना, 1.87 मोल, तो इसका भी आ जाएगा 1.87 मोल। अब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन में क्या दिया गया है, इक्वेशन में हमें ये दिया गया है कि इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, ये 2 मोल है, ये कितना है, 1 मोल है। तो ये 2 मोल, ये 1 मोल, ये आ जाएगा 2 मोल। हमने लिए कितने हैं, इसके 1.35 मोल, इसका कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3 दिया जाएगा 2.70, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.70 मोल आ जाएगा, सही होगी बात। अब हमने ये देख लिया कि इसके 100 ग्राम ने बनाया है इतने मोल और उसके 100 ग्राम ने बनाया है 1.87, चूंकि इसने कम बनाया है तो ये हमारा क्या होगा, लिंकिंग रिएक्टेंट होगा। तो अब लिंकिंग रिएक्टेंट के मुताबिक आप उसका मैस फाइंड करोगे अमोनिया का, अमोनिया होगा मोल इंटू मोलर मैस, कैपिटल एम होता है मोलर मैस का, मोल लिंकिंग हमारे पास कितने है, 1.87 है, और उसके बाद इसका मोलर मैस कितना होगा, 17 होगा, करेंगे हमारे पास आ जाएगा 31.179 ग्राम, 31.179 ग्राम, ये क्या आ जाएगा, अमोनिया का हमारे पास आ जाएगा मोलर, अमोनिया का हमारे पास मैस आ जाएगा।
अब हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है कि एक्सेस हमने फाइंड करना है। एक्सेस फाइंड करने क्या काम करेंगे, रिएक्टेंट को आपस में कंपेयर करेंगे। रिएक्टेंट हमारे पास कौन से है, ये और ये वाला अमोनियम हाइड्रोक्साइड और साथ क्या अमोनियम क्लोराइड और साथ क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसके 2 मोल है, इसका कितना 1 मोल है, तो ये 2 मोल और ये 1 मोल। अगर इसका होगा 1 तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना फिर उसका। तो अब उसके बाद हमने इसके लिए कितने हैं, हमने लिए थे 1.8700 लिया था ना, एक्चुअल में हमने इतना लिया है। तो अगर इसका इतने मोल होगा तो फिर उसका कितना आ जाएगा 0.935 मोल उसके आ जाएंगे। इसके साथ हम लिख लेते हैं कि ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी मोल। अब हमने एक्सेस फाइंड करना है। एक्सेस में ये क्या बता रहा है हमें, ये हमें ये बता रहा है कि अगर इसका 1.87 मोल लेंगे तो उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 0.935 मोल रिएक्शन करेंगे। हमने लिया कितना है, हमने लिया था 1.35। रिएक्शन कितने ने किया है, 0.935 ने, तो बाकी फिर क्या होगा, एक्स्ट्रा ही होगा ना। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेस यहाँ पे हम फाइंड करने जा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक होगी बात। उसके लिए क्या आ जाएगा, टेकन माइनस यूज्ड, हमने टेकन किया था 1.3500 ग्राम में जो हमने लिया था, और उसके बाद यूज कितना हुआ इतना, बाकी क्या हमारे पास आ जाएगा इतना, बाकी बच जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा इतना। ये अनरिएक्टेड है, ये एक्सेस अमाउंट में है। अब इसका मैस फाइंड करने जाएंगे तो मैस फाइंड करने के लिए क्या आ जाएगा कि ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, ये हमारे पास मोल आए हैं। तो ये मैंने एक स्टेप इकट्ठा कर दिया, वरना ये एक स्टेप अलग होता। तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास मोल एक्स्ट्रा आ गए हैं मल्टीप्लाई इसके मोलर मैस के साथ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा ग्राम में। तो इतने ग्राम हमारे पास क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। हमने लिया कितने ग्राम था, 100 ग्राम, हमारे पास एक्स्ट्रा कितना बचा है 30.71 ग्राम। तो ये देखें, अब ये इतना बचा हुआ है लेकिन ये क्या हो गया, मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। तो ये क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, सही होगी बात। तो ये हमारा आज का काम, बस एक हमने एग्जांपल की है, एग्जांपल नंबर थी 13 लिमिटिंग रिएक्टेंट के मुताबिक जो थी। और अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा, उसमें हम करेंगे यील्ड और उसका कॉन्सेप्ट हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा। अल्लाह हाफिज़।